सो मेरे भाइयों, बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो एयर फाइबर और जो इनका ऑप्टिकल जियो का फाइबर आता है, इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। तो मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूं। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी बोर नहीं करना चाहता कि इसका प्लान ऐसा है, उसका सस्ता है। मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, एक अच्छा एक डिटेल में बताऊंगा कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देखना, तो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, जियो का एयर फाइबर और जो जियो का ऑप्टिकल फाइबर है, यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मेरे भाई मेरे को जियो एयर फाइबर लेना चाहिए या फिर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले मेरे भाई, जो जियो एयर फाइबर है वो लेने का हमारे दिमाग में क्यों आता है? तो मेरे भाई, ये इसीलिए आता है क्योंकि हम विलेज में रहते हैं, हम ऐसे रूरल एरिया में रहते हैं, ऐसे सिटी में रहते हैं, छोटी सिटी में रहते हैं, वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तभी हमारे माइंड में आता है कि हम जियो का एयर फाइबर ले लें, ठीक है। बट ऐसे भी मेरे कोई भाई हैं जिनके यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है, वो भी मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई मेरे को एयर फाइबर लेना चाहिए या ऑप्टिकल फाइबर लेना चाहिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। सो सबसे पहले मेरे भाई, जहां भी ऑप्टिकल फाइबर नहीं है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन बचता नहीं है, तो आपको जियो का एयर फाइबर लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में ये है कि आपके यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर भी है और जियो का एयर फाइबर है, मतलब कि जियो का नहीं है, मतलब किसी और कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर होगा, मतलब वो है और जियो का एयर फाइबर भी है, तो आप बोलते हो कि मेरे को कौन सा लेना चाहिए। तो मेरे भाई, आपको ऑप्टिकल फाइबर ही पहले लेना चाहिए। बट बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई जो ऑप्टिकल फाइबर है, मैं दो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि मेरे पास नेट प्लस है और बीएसएनएल है, और मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नेट प्लस में मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आती थी, इनका सर्वर वगैरह बहुत डाउन होता था, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बफरिंग देखने को मिलती थी, मतलब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता था, फिर मैंने मतलब कि इसकी दिक्कत होते हुए फिर मैं बीएसएनएल लगवा लिया था, और बीएसएनएल में भी मेरे को मतलब कि लाइव स्ट्रीमिंग में बफरिंग देखने को मिल रही थी, और बीच बीच में मतलब कि 5 से 10 सेकेंड 20 सेकेंड लाइव स्ट्रीमिंग चलते चलते भाई कट हो जाता था बीएसएनएल, और फिर क्या होता था, लाइव स्ट्रीमिंग एंड हो जाता था, उसमें मेरे को बहुत ही गुस्सा आता था भाई बीएसएनएल के ऊपर। तो ऐसा भी होता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो मैंने आपको बट इसलिए बोला था क्योंकि देखो भाई, अगर आपको मैं सीधा ही बोल दूंगा कि ऑप्टिकल फाइबर अच्छा है, एयर फाइबर अच्छा नहीं है, बट अगर ऑप्टिकल फाइबर में ये सारी दिक्कतें आएंगी, तो ऑप्टिकल फाइबर बुरा हुआ या अच्छा हुआ, ये आप ही बता दीजिए, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर और एयर फाइबर दोनों हैं, तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि ऑप्टिकल फाइबर ही लें, क्योंकि उसमें आपको अपलोड और डाउनलोड स्पीड दोनों ही अच्छी देखने को मिलेगी, और इंटरनेट भी स्टेबल देखने को मिलेगा। बट ये बात का मेन ध्यान रखें कि जैसे मेरे को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ठीक है, आपको भी ना करना पड़े, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर लेने से पहले आप अपने पड़ोसी से, आप अपने जानकार से, किसी आस पड़ोसी से जरूर पूछें कि जिस भी कंपनी का आप ऑप्टिकल फाइबर लेना चाहते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर कैसा चलता है, मतलब कि लाइव स्ट्रीमिंग करके देखें, अपलोड डाउनलोड स्पीड चेक करें, कि उसको पूछें भी भाई क्या दिक्कत आती है या नहीं आती है ना, तो सारा जांच पड़ताल करने के बाद ही आप ऑप्टिकल फाइबर लें, ठीक है। अगर ऑप्टिकल फाइबर भाई खराब होगा तो ऑप्टिकल फाइबर आप लोगे ही नहीं, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ऑप्टिकल फाइबर लेने से पहले आप जरूर जांच पड़ताल करके लें, और अगर ऑप्टिकल फाइबर खराब निकलता है तो फिर आप एयर फाइबर जियो का ले सकते हो। तो मेरे केस में, मैं आपकी अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, तो मेरे केस में ऐसा है कि देखो भाई, ऑप्टिकल फाइबर जो मेरा बीएसएनएल का है, तो उसमें मेरे को दिक्कत आती है, जैसे मैं आपको पहले बता के हटाऊँ कि ये 10 से 20 सेकेंड या फिर ज़्यादा भी सेकेंड कट मार देता है। कट का कहने का मतलब कि लाइव स्ट्रीमिंग चलते चलते ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, फिर मेरा लाइव स्ट्रीमिंग एंड हो जाता है, ठीक है। बट मैंने अब 2 हफ्ते से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इसी चैनल टेक पत्री के ऊपर मैं 8 बजे लाइव आता, तो फिर मैंने क्या किया, जियो का जो 5G वाला इंटरनेट है मेरे फोन में जो चल रहा है, ठीक है, उसको मैंने अपने फोन का हॉटस्पॉट बना के अपने कंप्यूटर में मतलब अटैच किया था, कनेक्ट किया था, ठीक है। तो मैं अपने फोन वाले इंटरनेट से ही अपने पीसी में लाइव आता हूं 8 बजे, ठीक है। तो मेरे को कोई भी ऐसी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि भाई मेरे को ऑप्टिकल फाइबर है वो प्रॉब्लम दे रहा है, बट मेरा जो जियो का है
वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ठीक है, 5G वाला इंटरनेट है। तो ऐसा है कि भाई अगर आपको भी ऐसा पता चलता है कि ऑप्टिकल फाइबर आपके यहाँ पे नहीं है, तो आप बेझिझक जियो का एयर फाइबर ले सकते हैं। बट आप जियो का एयर फाइबर लेने से पहले जियो में भी ऐसी टेस्टिंग कर सकते हैं। आप कोई भी 5G मोबाइल ले लें, अगर आपके यहाँ पे 5G आया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप अपनी सिम में डाउनलोड और अपलोड दोनों चेक करें, लाइव स्ट्रीमिंग करके देखें, वैसे ही मतलब यूट्यूब पे भाई लाइव करके देखें, एक दूसरे मोबाइल पे चेक करते रहें कि बफरिंग तो नहीं आ रही, ठीक है। तो आप ऐसे ही 2-4 दिन ट्राई करें, तो अगर वो अच्छा चलता है तो आप जियो एयर फाइबर ले सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई वो तो मतलब कि जी अगर आपकी सिम में इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो जियो एयर फाइबर में भी अच्छा चलेगा, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने आपको सारा बता दिया है, आप इस तरीके से चॉइस कर सकते हैं कि आपको ऑप्टिकल फाइबर लेना है तो या फिर आपको जियो का एयर फाइबर लेना है। सो मेरे भाई आप दोनों ही चीज़ें लेने से पहले टेस्टिंग जरूर करके देखें, मेरे कहने पे, किसी के कहने पे कभी भी भाई कोई भी चीज़ मत लें, ठीक है। अगर वो चीज़ आपके आस पड़ोस के किसी बंदे ने ली होगी, उसने यूज़ की होगी, वो आपको अच्छे तरीके से बता सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे हो सकता है अच्छा चल रहा है, आपके यहाँ पे हो सकता है अच्छा नहीं चल रहा, वो ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, वो जियो का एयर फाइबर भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने मोहल्ले में ट्राई करो, मेरा सुनी सुनाई पे बातों के ऊपर मत विश्वास करो, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके पैसे खराब ना जाए। बट ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो तो टेक पत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, जय हिंद।